गुस्सा चढ़ जाता है कभी, इट्स ओके आड़े के निकाल देंगे पीछे। तो गाइस एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां एल्विश यादव ने बोला था कि उनकी नेगेटिव पीआर के लिए कुछ लोग 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसी का रिप्लाई अभिषेक ने भी दिया था, बट वापस से एल्विश यादव ने भी कुछ ऐसा कह दिया है, वार्निंग तक दे दिया, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। और जिसने करा उसने करा ही है, बेशक उसके कितने भाई उठ के आ जा, कई भाई तो उठा भी देंगे हम। उन्हें मजाक सेट के भाई, जो एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसे साढ़े ना बहुत दिन तक देख रहा हूँ मैं, मगर घर के उठा ले जाएंगे, बेरा बिना चला कहाँ गया, इसे बेशक धमकी में ले लियो भाई, हमारी गल करने से पहले 100 बार सोच ले करो कि सीरियस कर रहे हो, मजाक में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। गुस्सा चढ़ जाता है कभी, इट्स ओके आड़े के निकाल देंगे पीछे हाथ दे के, फिर कहते रहो कुछ भी है, कुछ भी कहते रहो फिर। 2020 वाला वर्जन चाहिए क्या इनको? 2020 वर्जन ना, एक और वर्जन आया मेरा नया, डेंजर वर्जन 2.0, कोई ना उसकी भी करेंगे कार्रवाई। ध्यान तो रहिए भाई, ध्यान तो रहिए, कभी गॉड नोस क्या हो जाए ना। तो गाइस आपको पता ही होगा YTFF जो इंडिया का फेस्ट होता है, उसमें काफी सारे यूट्यूबर गए थे, जहां फुकरा इंसान और निश्चया यानी कि ट्रिगर इंसान काफी दिनों से वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फुकरा इंसान ने उनको स्टेज पे क्या कहा, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। सवाल है, निश्चय पिछले 4 साल से घर पे बैठ के रो रहे, रोज कर रहे, तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ आके? भाई लाइफ का ना फुल सर्कल कम्प्लीट हो गया है, 4 साल तक हर लाइव स्ट्रीम पे रोते हुए कि फैन फेस्ट पे नहीं बुलाया, आज फाइनली फैन फेस्ट पे आ गए, अब खुद का रोस्ट करेंगे।